Let's start with question number 6. So it says the potential energy of a free falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy and why? So यहाँ पे हम एक छोटा सा example लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो total energy होती है वो conserve कैसे रहती है. तो सबसे पहले मान लो this is my object and it is at position A. अब ये half way down जब आएगा तब इसकी position B हो जाएगी और जब ये ground पे आएगा object हमारा तो इसकी position C हो जाएगी. So अब देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ. सबसे पहले जब ये height पे है तो इसका मतलब what does it have? इसके पास क्या है सबसे ज्यादा? Kinetic energy है या potential energy है? So potential energy है. क्यों potential energy है? Because it has some height. तो height जब भी होती है तब potential energy होती है. अब मान लो ये halfway down आया, B position पे आया, तो potential energy और इसके पास kinetic energy भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ velocity होगी ना इसके पास, तो इसने half अपनी potential energy किस में change कर ली? Kinetic energy में change कर ली, क्योंकि movement हुई है. जैसे जैसे object नीचे आता जा रहा है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में. अब जैसे ही वो ग्राउंड पे आ जाएगा तो ग्राउंड पे उसकी एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी. क्यों? क्योंकि मूवमेंट हो जाएगी. और हाइट कितनी हो गई यहाँ पे सी पोजीशन पे? हाइट कितनी है? जीरो. तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा. अब इसमें मैं थोड़ी सी वैल्यूज लेकर आपको बताती हूँ कि कैसे हुआ. मान लो इनिशियली पोजीशन ए पे 10 जूल था. अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आधी आधी हो गए हैं, दैट इज 5 जूल एंड 5 जूल. अब जैसे ही वो नीचे आई वो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई. सो आप देख सकते हो कि कैसे हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व रही है. बस हुआ क्या है कि चेंज हुई है. पहले पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, अब वो ही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में. और वो भी अभी भी 10 जूल ही है. बस हमारी जो एनर्जी है वो क्या रही है? कंजर्व रही. सो वी कैन रीड आंसर वंस. सो इट सेज इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली सिंस इट कीप्स चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. किस में चेंज होती जा रही है? मैंने आपको जैसे बताया था जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है धीरे 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 करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है. तो आप ये मत समझना कभी भी कि आपकी एनर्जी खत्म हो रही है. हमारी एनर्जी क्या होती है? कीप्स ऑन चेंजिंग. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6.